हाँ तो बच्चों आपने अभी समझा कोई नॉन टर्मिनेट एसी वाला आपको गिवन है और टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग दोनों टाइप का डेसिमल को हम नंबर को हमने पी अपॉन क्यू में की फॉर्म में चेंज करना आपको समझाया। अब इसी को नंबर को जो नॉन टर्मिनेट एंड रिकरिंग मींस रिपीटिंग नंबर है इस नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज करने के लिए सेकंड मेथड मतलब शॉर्टकट मेथड सीखना चाह रहे हैं। ठीक है, शॉर्टकट मेथड से हम इस नंबर को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे समझिए। हमारा सबसे पहले एग्जांपल रहेगा यहां पर जैसे 0.5 बार है इसको हमें शॉर्टकट मेथड से पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो नंबर है 0.5 बार इसको सेव नोट कर लिया और इक्वल लगा देंगे यहाँ पर और हम क्या करेंगे इस नंबर को विदाउट डेसिमल नोट कर लेंगे। हमें डेसिमल नहीं लगाना है और इसको नोट कर लेना है 0.5 डेसिमल नहीं लगाना है और जिस पर बार लगा है जो रिपीटिंग नंबर डिजिट है उनको ओनली वन टाइम लिखना है विदाउट डेसिमल लिखना है। पूरा कंप्लीट नंबर जो है नोट कर लेंगे यहाँ पर डेसिमल नहीं लगाना है और जो रिपीटिंग नंबर है जिस पर बार लगा हुआ है उसको ओनली वन टाइम लिखना है नोट कर लिया। इसके बाद अपॉन लगाना है यहाँ पर और जितनी डिजिट पर बार का साइन लगा है कितनी डिजिट पर बार का साइन लगा है यहाँ पर वन डिजिट पर उतने नाइन नीचे बना देते हैं। एक डिजिट पर बार लगा है इसलिए आपका नाइन यहाँ पर आ जाएगा मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5/9 और ये इसका क्या हो गया आंसर। अभी आप और देखिए सेकंड क्वेश्चन जैसे ये है फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा सेकंड पार्ट 0.246 बार इसको हमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज करना है। ये शॉर्टकट मेथड बताया जा रहा है आपको इसे बहुत जल्दी सीधे आंसर आ जाएगा आपका। तो पहले मैंने अभी आपको बताया कि विदाउट डेसिमल डेसिमल नहीं लगाना है और इस नंबर को विदाउट डेसिमल यहां पर नोट कर लेना और ये बार का साइन भी नहीं लगाना है। तो क्या लिखेंगे आप इसको 0.246 डेसिमल नहीं लगाया और बार का साइन भी नहीं लगाया। अब क्या करेंगे आप यहां पर इसमें से माइनस करेंगे क्या माइनस करेंगे विदाउट बार वाला नंबर विदाउट रिपीटिंग डिजिट जो रिपीट नहीं हो रही है जिन पर बार नहीं लगा है वो नंबर 46 पर तो बार लगा है 02 पर तो बार नहीं लगा तो इस 02 को इसमें से सबट्रैक्ट कर देना है। डेसिमल तो लगाना ही नहीं है आपको फिर समझ लीजिए पहले कंप्लीट नंबर को यहां पर नोट कर लेना है विदाउट डेसिमल डेसिमल नहीं लगाना है बार का साइन भी नहीं लगाना है पूरा नंबर नोट कर लिया। माइनस लगाइए आप क्या करना है उसमें से माइनस विदाउट बार वाला नंबर डिजिट वो डिजिट जिन पर बार नहीं लगा है जो रिपीट नहीं हो रही है 0.2 माइनस कर दिए डेसिमल नहीं लगाना है। अपॉन में क्या आएगा डिनोमिनेटर में जितनी डिजिट पर बार लगा है उतने नाइन की डिजिट बना दो कितनी डिजिट पर बार लगा है टू डिजिट पर इसलिए आप यहां पर 29 बना दीजिए समझ गए। और एक और पॉइंट जितनी डिजिट पर बार है उतने तो 9 बना दोगे उसके बाद इस बार से पहले बिफोर बार और पॉइंट के बाद जितनी डिजिट हो उतने 0 लगा देना यहाँ पर। अब बार से पहले बिफोर बार और पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1 डिजिट है ना तो आप यहाँ पर 10 लगा देंगे इस तरह से फिर से इक्वल लगाइए इसको सबट्रैक्ट कर दीजिए इसमें से 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 244 अपॉन 990 और इसे कैंसिल करना चाहते हो कैंसिल कर लीजिए ये दोनों ही नंबर 2 से डिवाइड होंगे सबसे पहले 2 से डिवाइड कर लो तो क्या आएगा इक्वल टू 2 बन जा 2 2 2 या 4 2 2 या 4 और ये कितना आ जाएगा 2 4 या 8 2 9 या 18 2 5 या 10 और ये हो गया इसका आंसर। तो ये नंबर हमने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज कर दिया समझ में आ गया। तो हमने आपको यहाँ पर ये शॉर्टकट मेथड बताया और इससे पहले आपको लॉन्ग मेथड जो बुक वाला मेथड है वो समझाया था और देख लीजिए एक बार एग्जाम्पल देते हैं आपको हम यहाँ पर समझा देते हैं। थर्ड जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं 2.567 बार इसको हमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज करना है इक्वल टू 2.567 पॉइंट नहीं लगाया हमने अपॉन में कितनी जीत पर बार लगाया 2 जीत पर और 2.9 लगा दीजिए यहाँ पर और ऊपर न्यूमरेटर में माइनस भी करना होगा आपको क्या माइनस करना है विदाउट बार वाला नंबर जिस पर बार नहीं लगा है इस पर बार नहीं लगा है 2.5 पर इसको 25 लगना है डेसिमल तो लगाना ही नहीं है आपको पहले कंप्लीट नंबर लिखा माइनस जिस पर बार नहीं लगा है वो नंबर नोट कर लेंगे
अब पॉइंट जितने डिजिट पर बार लगा है उतने नाइन बनने हैं, और पॉइंट के बाद और बार से बिफोर कितने डिजिट हैं, वन डिजिट है ना, आप यहाँ पर वन जीरो लगा देंगे। इक्वल टू, अब इसको सबट्रैक्ट कर दीजिए, सबट्रैक्ट करेंगे तब क्या आएगा, सेवन में से फाइव क्या आया टू, और सिक्स में से टू गया तब फोर, फाइव टू अपॉन नाइन नाइन जीरो आंसर हो गया। कैंसिल करना था, कैंसिल कर दें, ये पूछे तो कैंसिल भी हो रहा है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब आप समझ गए होंगे आज का और कितना रहेगा, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो आने वाले वीडियो में आपको फिर समझाया जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो परेशान नहीं होना है आपको, हमें बेझिझक बता देना है। आगे समझ में